नमस्कार, शाम के साथ बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। उत्तर प्रदेश में हर किसी को इंतजार था निकाय चुनावों के, लोकल बॉडी इलेक्शन के तारीखों के ऐलान का, लेकिन उससे पहले एक और चुनाव का ऐलान हो गया है। उपचुनाव है, कहने को छोटा चुनाव कह सकते हैं, लेकिन जंग बड़ी है क्योंकि स्वार टांडा और छानबे ये दो सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। छानबे जो है वो मिर्जापुर की सीट है, अपना दल के कोटे की सीट थी जहां पर अपना दल विधायक की कैंसर से अकाल मृत्यु की वजह से वहां उपचुनाव घोषित हुए थे। लेकिन इन दो सीटों में से जो अहम सीट है वो है रामपुर के स्वार टांडा की विधानसभा सीट, क्योंकि ये सीट आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा मिलने की वजह से खाली हुई है और अब यहाँ पर उपचुनाव होगा। बहुत अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि रामपुर में पिछले ही साल में आजम खान, जो कि 10 बार विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, और रामपुर में कहा जाता है कि उनका जो सियासी कद है उसका कोई आसपास से मुकाबला भी नहीं करता था, कुछ महीनों पहले तक ये कहा जाता था। लेकिन रामपुर में एक के बाद एक, पहले एक लोकसभा चुनाव हारा आजम खान के पसंदीदा कैंडिडेट आसिम राजा ने, और फिर उन्हीं को विधानसभा का टिकट दिया गया, विधानसभा के उपचुनाव का, और वो चुनाव भी हारा। दोनों चुनाव बीजेपी ने जीते। रामपुर जो कि मुस्लिम बहुल सीट है, 50% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी वहां मानी जाती है, इन दो चुनावों में हारने के बाद अब्दुल्ला आजम की खाली हुई सीट पर बहुत निगाहें तमाम उत्तर प्रदेश की जमी हुई है, क्योंकि अगर यहाँ भी बीजेपी बाजी मारती है या आजम खान का कैंडिडेट ये सीट नहीं निकाल पाता है तो शायद रामपुर में आजम खान का जो सियासी किला है, जो सियासी रसूख है, वो खत्म मान लिया जाएगा। इसलिए बहुत अहम हो जाता है कि इस सीट पर आखिर टिकट किसे मिलता है। कई नाम है लेकिन तस्वीर अभी कितनी साफ है कितनी नहीं है ये समझने के लिए फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी जी, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे साथ रामपुर से ही वरिष्ठ पत्रकार तमकीन फयाज साहब भी जुड़ेंगे बस कुछ ही देर में। लेकिन मैं सवाल शुरू करता हूँ हेमंत जी से। हेमंत जी, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही अहम सीट है और अब ये बड़ा सवाल बन गया है कि अब स्वार टांडा विधानसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का या फिर कहें कि आजम खान का कैंडिडेट कौन होगा। बात है, बड़ी बात इसलिए भी है कि ये बहुत सामान्य उपचुनाव नहीं है। इन उपचुनावों के पीछे, दोनों उपचुनाव की बात मैं कर रहा हूँ, स्वार और छानवे दोनों की बात कर रहा हूँ, कि वस्तुतः प्रत्यक्ष रूप से देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक मेजर एलाई है अपना दल, उसकी दोनों सीटें हैं जहां बाई इलेक्शन होने हैं। मतलब 2022 में स्वार में गठबंधन को सीट दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, और 96 में तो लगातार दो बार से गठबंधन के में हिस्सा है जो अपना दल, उसके कैंडिडेट राहुल कोल जीतते रहे हैं। पर सही कहा आपने कि रामपुर खास है। रामपुर खास इसलिए है कि भले उसका एलआई वहां से चुनाव लड़ा हो भाजपा का, लेकिन भाजपा का जो एक ऑपरेशन आजम खां चल रहा है कि मतलब आजम खां की पॉलिटिक्स को खत्म करने का एक तरीके से जो शुरुआत की है उनकी अपने गढ़ रामपुर में भारतीय जनता पार्टी ने, निश्चित रूप से ये उस अभियान का एक बहुत बड़ा बिंदु है, बड़ा अवसर है, और भारतीय जनता पार्टी को इसी दृष्टि से इस बार पहली बार खुल करके मुझे लगता है कि बाई इलेक्शन में अपने एलआई के लिए जितने घोड़े हैं, जो कहते नहीं है, सारे घोड़े खोल देने पड़ेंगे। और आजम खां दूसरी ओर, आजम खां फिलहाल पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा चोट खाए हुए शख्स हैं। एक जमाना था आजम खां की तूती बोलती थी, आजम खां की भ्रिकुटियां जिधर तन जाती थी उधर लगता था कि कुछ कोई कुछ है नहीं, सब सफाया है। वही आजम खां का लंबा वक्त इधर जेल में गुजरा, जेल से आने के बाद तमाम उठा पटक अंदरूनी उनकी सियासत को लेकर के उनकी पार्टी के भीतर हुई, उसके बाद अखिलेश यादव ने जिन भी परिस्थितियों में उनको एक तरीके से फ्री हैंड दिया कि आपका जिला है, आपकी सीट है, आप उम्मीदवार तलाशिए,
और लड़ाइए और जिताइए। याद होगा अखिलेश यादव रामपुर की प्रतिष्ठा परक लोकसभा सीट के उपचुनाव में प्रचार तक के लिए नहीं गए थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थिति रही होगी। मतलब उनको उतना ही कॉन्फिडेंस था रामपुर पर आजम खां को लेकर के जितना उनको कॉन्फिडेंस था आजमगढ़ उनकी अपनी सीट को लेकर के। पहली बार पुल करके मुझे लगता है कि बाई इलेक्शन में अपने एलआई के लिए जितने घोड़े हैं जो कहते नहीं है सारे घोड़े खुद देने पड़ेंगे। और आजम खां दूसरे ओर आजम खां फिलहाल हेलो पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा चौंकाए हुए शख्स है। एक जमाना था आजम खां के तोते बोलते तो एक सेकंड सर को तकनीकी समस्या आ गई है, एक सेकंड आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा हेमंत सर। जी ये मेरी बात खुद मुझे सुनाई पड़ रही है जो पहले बोला जी। अब आप बोलिए सर। तमकीन सर आप म्यूट कर लीजिए। तमकीन सर हम आपके पास आएंगे सवाल लेकर, आप म्यूट कर लीजिए और अभी हेमंत सर के जवाब के बाद हम आपके पास आते हैं। हेमंत सर आप कंटिन्यू करिए। प्रतिष्ठा तो दोनों जगहों पर अपना दल की है, एक जगह दो बार का जीता उसका कैंडिडेट 96 में, दूसरी जगह सपा और आजम के गढ़ में उनकी बहुत परंपरागत सीट उनके बेटे की सीट आजम खां की उस पर मुकाबला करने का है। तो कोई शक नहीं कि अब एक बड़ी चुनौती होगी, जैसा नीरज जी ने कहा किसको कैंडिडेट लाएं। चुनौती खाली वहीं नहीं है, चुनौती इधर भी है। टिकट भले अपना दल को देना होगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपना दल बिना भारतीय जनता पार्टी के परामर्श के वहां कोई टिकट सुनिश्चित करेगी। वैसे तो आमतौर पर देखा गया है कि जो भी भाजपा के एलाइज होते हैं वो जब सीट पर अपने कैंडिडेट फाइनल करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से एक बार राय लेने के बाद ही इसको डिक्लेयर करते हैं चर्चा परामर्श के बाद। लेकिन इस बार ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि मैंने क्या कहा कि जो ऑपरेशन आजम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का रामपुर के भीतर, उसको अंजाम देने का भी जिम्मा इस बार अपना दल के जरिए आ गया है, उनके जिम्मे बात आ गई है कि वो किसी तरीके से सीट जीते। हालांकि उस सीट का जो रिकॉर्ड है उसमें भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता कि सिब्बू सक्सेना एक बार जीते थे करीब 26-27 साल पहले इलेक्शन में, सिब्बू सक्सेना यहाँ मिनिस्टर भी रहे, सिब्बू सक्सेना शिव बहादुर सक्सेना सिब्बू सक्सेना उनको कहते थे जी, तो जी, उसके अलावा कभी भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीती नहीं है। और लगातार वहां समाजवादी पार्टी और फिर ये जो जो परिवार वहां का जो नवाब परिवार है, नवाब काजिम अली खान यानी नवेदिया वहां से कई बार जीते हैं। एक बार तो समाजवादी पार्टी की ही ओर से जीते हैं 2007 में, बाद में इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए नवाब काजिम अली यानी नवेद मियां ने, आप जो जो जीत बहुत बड़ी जीत देख रहे हैं तमकीन फयाज साहब बताएंगे, ये जो बड़ी जीत हम देख रहे हैं रामपुर वाली पार्लियामेंट और असेंबली वाली सीट की, इसका एक पक्ष बहुत थोड़ा सा कमजोर रह गया जो सामने आया नहीं। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर नवेद मियां रहे हैं। रामपुर में नवाब घराने का बहुत बहुत बड़ी उसकी स्वीकार्यता है और जो जीत मिली, जैसा कहा गया कि आजम खां हार गए, तो आजम खां को आजम खां और नवाब परिवार की अदावत बड़ी पुरानी है, सियासी अदावत, और इसके तमाम परिणाम दुष्परिणाम भी देखे गए हैं। तो इस बार तो जो नवेद मियां हैं उन्होंने पूरी अपनी ताकत लगा दी थी, पूरे नवाब खानदान की पूरी ताकत लग गई थी कि किसी भी तरीके से आजम खां के कैंडिडेट्स को हराया जाए, और वही असलियत में हुआ। नतीजतन आपने देखा होगा कि 2022 का जब असेंबली इलेक्शन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का एलआई जो अपना दल है, कहने को तो अपना दल के सिंबल पे चुनाव लड़े इनके बेटे हैदर मियां, या उनको क्या कहते हैं हमजा मियां, हैदर उर्फ हमजा मियां, लेकिन वस्तुतः वो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के परामर्श पर दिए गए थे, क्योंकि जिस तरीके से नवेद मियां का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही थी रामपुर में उसके एवज में ऐसा किया गया। हालांकि उसके बावजूद आपने परिणाम देखा होगा कि बहुत लंबी फर्क से हारे थे ये हमजा मियां और अब्दुल्ला आजम की जीत हुई थी जी, मतलब जी, 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 जी। 2017 में भी और उसके बाद फिर 2022 में भी।
तो ऐसी सूरत में दो सवाल बड़े हैं जो रामपुर की स्वार सीट को लेकर के हमारे सामने दिखते हैं। एक तो क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसी व्यूह रचना कर पाएगी और अपनी शक्तियों का मतलब भाजपा की खुद की जो संगठनात्मक शक्ति है जो बड़ी विराट मानी जाती है और जिसकी रणनीति अचूक मानी जाती है, क्या वो उन शक्तियों का और अपने संगठन का प्रयोग वहां करेगी? पहला प्रश्न। अगर उसका ऑपरेशन आजम खां जारी रहना है तो उसको सीधे मैदान में आना पड़ेगा अपने लड़ाई का साथ देने के लिए, क्योंकि मुझे जाती तौर पता है तमकीन फयाज वहां स्थानीय चीजों को देखते हैं। तमकीन साहब से एक सवाल ले लेते हैं सर। अपना दल का, मैं एक खाली लाइन खाली इसको समाप्त कर रहा हूं, अपना दल का वहां कोई बेस वोट बैंक नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट को थोड़ी सी कमजोर समझते हुए अपने दल के हवाले कर दी थी। तो ऐसी सूरत में यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी वो सारी शक्ति, संगठन की शक्ति, अपने नेताओं मंत्रियों की जो फौज, जो आज जो रामपुर के असेंबली और पार्लियामेंट्री बाई इलेक्शंस में इस्तेमाल की थी, क्या वो स्वार में उसको उतारेगा? और उतारेगा तो मुकाबला दिलचस्प होगा, वरना अभी भी मेरा मानना है कि आज की तिथि में स्वार सीट के जो भी पेशेंस बनते हैं, कास्ट और अन्य जरूरी उपाय जो होते हैं चुनाव के, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में अभी भी बेहतर है। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के समीकरण ये कहना है हेमंत जी का। तमकीन साहब, आपसे भी ये जानना चाहते हैं हम, ये महत्वपूर्ण है कि एनडीए से यानी बीजेपी से या अपना दल से कौन कैंडिडेट होगा, लेकिन शायद उससे ज्यादा लोगों में उत्सुकता इस बात को जानने की है कि अब अब्दुल्ला आजम यानी आजम खान के बेटे की जो सीट खाली हुई है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है? क्या आजम खान परिवार का ही कोई सदस्य उम्मीदवार होगा? और जाहिर तौर पर अगर परिवार की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा नाम उनकी बहू सिद्रा अदीब का सामने आता है, जो कि पिछले चुनावों में भी सामने आ चुका है। चुनावों की घोषणा होने के बाद रामपुर में क्या चर्चा है या आपके पास किस तरह की सूचनाएं? आप म्यूट पर है तमकीन साहब, म्यूट पर है। जी नीरज जी, बड़ा सवाल तो यही है कि आजम खान जो है वो स्वार विधानसभा सीट से, जो के पिछले दो बार से लगातार उनके बेटे और राजनीतिक वारिस अब्दुल्ला आजम खान जहां से विधायकी जीतते रहे हैं, उस सीट पर अब किसको लड़ाएं? क्या कोई परिवार का ही कैंडिडेट लाएंगे वो? अब परिवार में भी देखिए कोई बचा नहीं है कि जो सीधे तौर पर चुनाव में या चुनावी राजनीति में आ सके, क्योंकि खुद आजम खान के ऊपर तमाम मुकदमे हैं और अयोग्य घोषित हो चुके हैं, बेटे भी हो चुके हैं, और उनकी जो पत्नी है डॉक्टर तजीन फातिमा, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और मुकदमे भी हैं उनके ऊपर, तो इसलिए काफी मुश्किल होगा कि उनको सीधे तौर पर उतारा जाए। जबकि बड़े बेटे अदीब आजम वो राजनीति में बिल्कुल उनकी दिलचस्पी रहती नहीं है। अब वही नाम रह जाता है जो आप कह रहे हैं, उनकी आजम खान की बड़ी बहू सिद्रा अदीब, लेकिन चूंकि ये सीट खासकर स्वार की, ये अब्दुल्ला आजम की एक तरीके से उनकी अपनी सीट है, और भले ही पारिवारिक मामले हों, सारी चीजें हों, लेकिन कई ऐसी रस्साकशी परिवार के अंदर देखी जाती है, खासकर राजनीति में, कि अपने स्थान पर कोई ऐसा रिस्क लेने में बचता है कोई भी ऐसा सदस्य कि जो अपनी सीट खोने का उसे डर हो। जिस तरीके से मैंने पहले भी आपसे चर्चा हो रही थी तो आपको थोड़ा इशारा दिया था कि जिस तरीके से अखिलेश जी जो हैं वो अपनी भाभी को एकोमोडेट नहीं कर पाए समाजवादी पार्टी में, या अपने जो पारिवारिक सीटें हैं उन पे नहीं लड़ा पाए, वही कुछ स्थितियां रामपुर में हैं। और अगर ये माना जाए कि वो कैंडिडेट नहीं हो पाएंगी तो फिर कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि टोटली जो कुछ है वो आजम खान के डिस्क्रिप्शन पे है, और वो जिसे चाहेंगे वही समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट होगा, बिल्कुल आखिरी समय तक, बिल्कुल लास्ट आवर्स तक उनके पास ये तरफ की दुग्गी रहती है, और दूसरे दलों के लिए एक बड़ी समस्या होती है, उनको अपना कैंडिडेट जो है वो समय रहते घोषित करना होता है उसको। तो
तो ये तमाम चीजें हैं, और खासकर इस सीट की मैं बात करूं स्वार विधानसभा सीट की, तो ये आपको बताएं कि रामपुर जनपद की पांचों सीटों में जो विधानसभा सीटें हैं उनमें सबसे अधिक मुस्लिम प्रतिशत स्वार विधानसभा सीट पे, यानी रामपुर नगर विधानसभा से भी ज्यादा जो मुस्लिम आबादी है वो यहाँ पर है। शायद यही वजह है कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट ना लड़ाकर अपना दल को ये सीट दी। और ये बात बिल्कुल हेमंत जी सही कह रहे थे कि अपना दल का यहाँ कोई जनाधार नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सीधे तौर पे यहाँ पर न लड़कर अपने एलआई के थ्रू जो है उन्होंने नवाब हमजा मियां को टिकट दिया और उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार परिस्थितियां काफी बदली हुई है क्योंकि ये उपचुनाव भी है और लगातार चुनाव उपचुनाव यहाँ जिले में होते रहे हैं और लोग ऊब चुके हैं। इस बार स्वार की कुछ परिस्थितियां ये हैं कि लोगों में एक चर्चा बहुत तेजी से फैल रही है कि हम स्थानीय व्यक्ति को, कोई भी किसी भी दल का हो, चाहे वो भाजपा का हो या किसी भी दल से हो, हमें स्थानीय कैंडिडेट चाहिए। क्योंकि इस स्वार विधानसभा सीट पर शुरुआती दौर से जब नवाब मुर्तजा अली खान जो आखिरी नवाब थे वो भी यहीं से एमएलए की सीट जीते थे, उसके बाद जुल्फकार अली खान मिक्की मियां जो नवाब काजिम अली साहब के फादर थे जो पांच बार यहाँ से सांसद भी रहे हैं, उनकी भी राजनीतिक शुरुआत जो है स्वार विधानसभा सीट से हुई। शिव बहादुर सक्सेना साहब जिनका हेमंत जी अभी जिक्र कर रहे थे चार बार यहाँ से विधानसभा जा चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं, खुद नवाब काजिम अली चार बार रहे और आपके अब्दुल्ला आजम दो बार से पिछले विधानसभा में रहे। तो कुल मिला के ये एक हाई प्रोफाइल या वीवीआईपी सीट बन के रह गई है जहां से स्थानीय कोई प्रतिनिधित्व तो मिला ही नहीं है आज तक, कोई लोकल कभी कैंडिडेट जीता नहीं है। लेकिन इस बार तमाम लोग जो हैं वो इस बात को उठा रहे हैं कि किसी भी कीमत पर इस उपचुनाव में जो है वो स्थानीय व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए और उसको आगे बढ़ाया जाए। ऐसी स्थिति में जो है अभी देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने कैंडिडेट के लिए भी मंथन कर रही है और खासकर अपना दल में जो हमजा मियां का एक कहना चाहिए दो बार से चुनाव लड़ चुके हैं उनको खुद अपने ही दल में एक चुनौती मिल रही है शफीक अंसारी से। ये वहां के चेयरमैन रह चुके हैं दो बार और काफी मजबूत और पावरफुल आदमी माने जाते हैं राजनीति में स्वार जो कस्बा है उसके अंदर। तो वहां से चूंकि अंसारी बिरादरी वहां पर लगभग 28,000 से 30,000 वोट है और एक बड़ी उनकी फॉलोइंग है, फिर ये कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक पसमांदा मुसलमानों का एक उन्होंने नारा दिया है उससे भी मैच करता है कहीं ना कहीं, तो वो भी हमजा मियां के ऊपर काफी मतलब भारी पड़ना है। अगर अपना दल को ना देकर भारतीय जनता पार्टी अपने किसी कैंडिडेट को लड़ाती है तो वो कौन होगा, कहाँ से आएगा? आपने पिछले दिनों सुना होगा खुद पूर्व सांसद जयप्रदा जी का भी नाम चर्चाओं में आया था, लेकिन तमाम नाम एक स्थानीय मुद्दे के नीचे दबते नजर आ रहे हैं। जी नीरज जी। जी जी हेमंत सर मैं आपके पास आऊं सवाल लेके, उससे पहले जो तमकीन दयाल साहब बात कर रहे थे जो सवाल नीरज जी ने उनसे पूछा था वही सवाल हमने अपने पोल पर भी पूछा है, हमने दर्शकों से पूछा है कि क्या आजम खान अपनी बहू सिद्रा अदीब को स्वार से उपचुनाव जो होने वाला है उसमें प्रत्याशी के पद तो बनाएंगे। वैसे तो तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी घोषित करेगी लेकिन चूंकि वहां आजम खान का ही सिक्का चलता है, आजम खान ही तय करते हैं जैसा तमकीन साहब बता भी रहे थे, तो ये हमारे दर्शकों से अपील है कि इस पोल में ज्यादा संख्या में हिस्सा लें और हाँ या ना में जवाब देंगे आप, नीरज जी लास्ट में उसका परिणाम बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट भी करें ताकि हम अपने एक्सपर्ट से उन कमेंट पर उनकी राय लें और एक एक राजनीतिक नजरिया स्पष्ट हो सके इन दो सीटों पर जो उपचुनाव की बात हो रही है। हेमंत सर मैं आपके पास आता हूँ कि आजम खान उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बड़ा नाम रहा और आप लंबे समय से आजम खान की सियासत को आपने कवर भी किया एक्टिव जर्नलिज्म में भी और एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी आप उनके अभी की जो उनकी नियति जो बन रही है तय हो रही है उसको देख पा रहे हैं,
क्या आजम खान के पास विकल्प है लगातार चुनाव हारते रहने के बावजूद अपने सियासी वजूद को बचाए रखने का? क्या उनके पास अब आखिरी रास्ता नहीं है कि वो अपनी बहू को मैदान जंग में उतारें, भले उसका परिणाम जो भी आता हो, कम से कम उनके पास ये कहने के लिए तो रहेगा कि हमने अपनी राजनीतिक विरासत बचाने के लिए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ी, सियासी लड़ाई लड़ी, भले वो कोर्ट की लड़ाई में पिछड़ रहे हों। एक तो ये कि आपको क्या लगता है कि आजम इस सियासी लड़ाई का मन बनाएंगे? क्या उनके अंदर अब इतना विल पावर बचा है? क्योंकि हम लोगों ने आजकल देखा है कि जब भी आजम खान से आप कोई सवाल करिए, या अभी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमने देखा, उसमें आजम खान नहीं शामिल हुए, आजम खान से आप जब भी कोई सवाल करिए तो एक वो ऐसे भाव में जवाब देते हैं जैसे अब उनका सियासत से कोई बहुत लेना देना नहीं रह गया, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आजम फिर उस राजनीतिक लोहा लेने के मूड में आ रहे हैं? एक चीज तो सर ये, और दूसरा इसके साथ साथ हम चूंकि दूसरा 96 सीट पर भी उपचुनाव है, वहां पर भले वो अपना दल की सीट कही जाती हो, लेकिन अगर वो चुनाव का परिणाम पक्ष में आएगा सरकार के, तो वो भाजपा सरकार के पक्ष में आएगा, या विपक्ष में आएगा तो भाजपा सरकार के विपक्ष में आएगा। वहां का जो सियासी अंगणित है, खास करके जाति का, तो आपको लगता है कि जिस तरीके से वो सीट अनुसूचित जाति और अति पिछड़ी जाति के प्रभाव की सीट है, उस सीट पर क्या विपक्ष यानी अखिलेश यादव का कोई स्कोप नजर आता है इस उपचुनाव में, या फिर वो उसी धारा में बहेगी जिस धारा में बहती आ रही है? देखिए, पहले मैं दो चीज बहुत क्लियर कर दूं जो मेरे समझ में आती है। मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि आज की तारीख में स्वार सीट पर भारतीय जनता पार्टी या उसके एलआई के मुकाबले समाजवादी पार्टी का एज है आज की तिथि में, परिस्थिति जन्य जो समीकरण बनते हैं उसको देखते हैं। दूसरी बात, आपने 96 सीट की बात की, 96 सीट का जो इक्वेशन है और जो अद्यतन परिणाम देखे गए हैं या पिछले दो असेंबली इलेक्शंस के, वो अपना दल के पक्ष में गए, यानी भारतीय जनता पार्टी के बनाए माहौल का वहां असर है। तो ये दो चीजें बड़ी अलग अलग हैं। अब आजम खां पे आते हैं। देखिए साहब, ऐसा है, आजम खां उत्तर प्रदेश की सियासत के ऐसे करदार हैं जिनकी कहानी में शोक भी है, करुणा है, पूरा ड्रामा है, ड्रामा मतलब हर तरीके का, आप फैमिली ड्रामा कर सकते हैं या सियासत की फैमिली का ड्रामा कर सकते हैं, कुछ सस्पेंस भी है, जुदा मिजाज भी है, मतलब ऑफबीट स्क्रिप्ट भी है। तो बहुत से समीकरणों का सम्मिश्रण है आजम खां और उनकी सियासत। फिलहाल जो मैं समझता हूं, आपने कहा कि आजम खां चुनाव नहीं हारे हैं, आजम खां फिलहाल तो हालातों से हारे। हालात जैसे भी हों, चूंकि आप जैसा एक हमारी हिंदू मैथोलॉजी माना जाता है, कहा जाता है कि जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे और यही अपने जीते जी ये सारा भुगतान हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। हम लोग तो कम से कम हम मानते हैं। तो आजम खान ने भी जो तपिश, जो गर्मी, जो तेवर, जो मतलब क्या कहें उसको, जो रवैया कुल मिला करके अपनाया पावर में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए, शायद उसी का ट्रांसलेशन है जो सीधे सीधे उल्टा है, उसको भुगत रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हालात जब आपके पक्ष में नहीं होते हैं तो आप बहुत सी चीजें जीत करके भी हार जाते हैं। अब फिलहाल तो आजम खां मुकदमों से हारे हैं, उनकी जो सीटें गई वो तो उनकी उनकी जो सीटें गई वो तो मुकदमों के नाते गई, और खुद लड़े नहीं लड़ाया। उसके बावजूद मेरा मानना है, पता नहीं क्यों ऐसा मैं सोचता हूं, कि आजम खां हो सकता है कि आजम खां ने इस बात का आकलन कर लिया हो कि अब उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है। और एक बड़ी वजह हो सकती है कि कोलकाता में जो इनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई है उसमें उनका न जाना। नाराज होने की आदत आजम खां की ऐसी है जैसे पूर्वांचल में कभी कभी कहते हैं कि कोई बहू बड़ी नखरेली हो जाती है तो किसी न किसी बात नाराज हो जाती है। या फिर आजम खान के करेक्टर को, पॉलिटिकल करेक्टर को आप इस हिसाब से भी देख सकते हैं विद इन पार्टी,
कि जैसे बारात में कभी कभी कोई ऐसी बारात नहीं होती, 70% बारातों में हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के हिस्सों में नीरज जी वो फूफा जी नाराज हो जाते किसी न किसी कारण को लेकर, जरूर नाराज हो जाते। मतलब अच्छी खासी शादी की रस्म हो गई, बढ़िया सब कुछ खुशी खुशी चल रहा है, उसमें पता लगा फूफा जी जबरदस्ती नाराज हो गए। तो आजम खान बहुत बार ऐसा देखा गया है, मैंने तो बहुत बार 25-25 दिन उनको ऐसे देखा है, जो समाजवादी पार्टी के लोगों से मिलते नहीं थे, असेंबली में आते थे, पिछले रास्ते से आते थे, असेंबली का रजिस्टर जो अटेंडेंस का है उस पर दस्तखत करते थे, निकल जाते थे। एक बार बड़ी लंबी नाराजगी उनकी रही है, एक बार तो हट भी गए थे, किनारे चले गए थे। तो ये सारी चीजें उन्होंने देखी है। लेकिन इस वक्त मुझे जो लगता है कि आजम खान को इस बात का इल्हाम है कि स्वार सीट आराम से जीती जा सकती है किसी को भी लड़ा करके, लेकिन उनकी जो नाराजगी का ये लेटेस्ट प्रकरण सामने आ रहा है, हमको लगता है कि अब उनकी या तो अभिरुचि नहीं रह गई है, क्योंकि उनके परिवार में चुनाव लड़ने की रुचि किसी में संभवता नहीं है। तमकीन साहब ने बताया कि बड़े बेटे को कोई दिलचस्पी नहीं है, और जो बहू है यानी अब्दुल्ला की बेगम, हम लोगों ने देखा है बोलने वोलने में बहुत ही स्मार्ट है। वो जब आजम खान सीतापुर जेल में थे और अब्दुल्ला आजम, तो उस वक्त उनकी कई बार टेलीविजन वालों ने उनकी बाइट वगैरह ली थी, तो उनका बयान वगैरह देखा है, उसमें तो बोलने वोलने में बहुत ही तेज है। लेकिन अब आजम खान ये रिस्क लेंगे या ये दिलचस्पी बनाए रखेंगे, क्योंकि एक बात बता दूं आपको, खाली आजम खान नहीं, समाजवादी पार्टी, आजम खान की परिस्थितियां और वजहें अलग हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोटा मोटा मान के चल रहे हैं कि आने वाले कुछ वर्षों तक मामला बहुत ढीला है, बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। तो ये भाव भी कहीं ना कहीं उनके मस्तिष्क में होगा। वैसे अब रूठने मनाने का भी काम आजम खान और अखिलेश के बीच में चलता रहता है। सीतापुर जेल में थे, देखने नहीं गए तो नाराजगी हो गई, फिर कैसे कैसे मनाया, और आप देखिए फिर दोनों लोग साथ साथ मगलगीर हुए, और फिर उन्हीं के हवाले कर दिया कि आप कैंडिडेट दीजिए जिसको चाहिए, और उन्होंने दिया, उनके कैंडिडेट हारे। तो ऐसा भी हो सकता है कि अखिलेश यादव उनको कहें भाई चाचा देखिए एक बार सीट अपनी है, अपनी निकलनी चाहिए, तो ये स्थिति बन सकती है। और जहां तक भी बात की तमकीन साहब ने, मैं एक चीज कह दूं कि अगर शफीक साहब या किसी और शफीक अंसारी या किसी और को अगर वहां टिकट दिया जाता है सवाल की, तो मुझे लगता है फिर नवेद मियां थोड़ा सा बहुत जल्दी भड़कने वाले व्यक्ति हैं। नवेद मियां भड़क गए, उनके लड़के को टिकट नहीं मिला, तो भी भारतीय जनता पार्टी यानी उसके एलआई अपना दल का वहां नुकसान हो सकता है, क्योंकि मैंने फिर कहा कि अपना दल वहां कुछ नहीं, वहां जो वोट मिलता है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट है मिलता है, जो पिछली बार मेरे ख्याल 64-65 हजार वोट मिला होगा हमजा मियां को, तमकीन साहब बताएंगे कुछ ऐसे ही था, बहुत ज्यादा वोट नहीं थे, कुछ ऐसे ही था, वो करीब मतलब 52-55 हजार वोट का फासला था। हाँ हाँ हाँ, इतना का फासला था, हाँ 65-64 हजार वोट था। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो पूरी ताकत लगाएगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी अंदाजा है कि जो ताजा हालात समाजवादी पार्टी के भीतर हैं, शायद आजम खान उतनी दिलचस्पी न लें। आजम खान दिलचस्पी कम करते हैं और नवेद मियां यानी नवाब काजिम अली को नाराज करने का रिस्क शायद भारतीय जनता पार्टी ने लिया, मतलब अपना दल से फिर उन्हें हमजा अली को, या फिर हो सकता है हमजा अली को न लड़ाएं तो नवाब काजिम अली को ही कह दें आप चुनाव लड़ लीजिए, रसूख इनके परिवार का है, परिवार की इनकी पुरानी सीट रही है, और भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त भाई परचम फहरा ही रहा है पूरे प्रदेश में, हर जिले में सत्ता उनकी है, और मोटा तौर पर ये स्थापित सत्य करीब करीब हो चुका है कि बाई इलेक्शंस में आम तौर पर वही जीतता है, वही पार्टी जीतती है जिसका शासन रहता है, जिसका रसूख रहता है, जिसकी सत्ता रहती है, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। तो ये सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को थोड़ा सा मजबूत करती है, और भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहेगी कि आजम खान, जिसको उन्होंने 90% किनारे लगा दिया है रामपुर की सियासत से, 100% उनको किनारे लगा दे और बैठ जाएं या विश्राम की मुद्रा में आ जाएं। ये बात। दूसरी बात, 96 पर आपने प्रश्न किया था अमीश जी, 96 सीट बड़ी विचित्र सीट है, और मुझे लगता है बीच में कुछ सालों तक सामान्य सीट थी, वरना जब से मैं कवर कर रहा हूँ वो रिजर्व सीट हमेशा रही है,
इस बार पिछली दो टर्म से वही राहुल जी तैयार रहे थे, उसके पहले उनके पिताजी पकौड़ीलाल भी वहां से विधायक रह चुके हैं, और दोनों बार की जो जीत है वो जीत, यहाँ भी एक चीज बता दूं कि मिर्जापुर एक ऐसा जिला है जिसको जिसको मैं कानपुर देहात या किसी और कुर्मी बहुल जिले से ज्यादा महत्वपूर्ण जिला कुर्मी वोटरों के लिए मानता हूँ, ये मिर्जापुर की जो सीट है। और यहाँ करीब 1 लाख के आसपास तो जो शेड्यूल कास्ट और ये कोल यानी जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं इनकी संख्या करीब इतनी संख्या ओबीसी की है, करीब इतनी संख्या बराबर और की इतनी संख्या ओबीसी की है। ओबीसी का बहुत ज्यादा झुकाव इस जिले में मतलब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रहा था, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे उसके एलआई हो, चूंकि अनुप्रिया पटेल खुद वहां के सांसद हैं और वहां काफी काम किया है, उसको अपना जिला मान के चलती हैं, तो इसका सीधा सीधा लाभ तो मिलता ही है। अभी मेरा मानना है कि कैंडिडेट तो पकौड़ीलाल कौल के घर से ही कोई आएगा, और मुझे इस बात का थोड़ा सा अंदाजा लगता है कि जो मरहूम राहुल प्रकाश कौल है यानी पकौड़ीलाल कौल के बेटे, उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है, तो कोई और इधर उधर का रिस्क न लेकर के अपना दल भारतीय जनता पार्टी की सहमति से उनकी जो विधवा है उन्हीं को उम्मीदवार वहां उतारेगी, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना दल के जीतने के प्रथम दृष्टया अवसर अधिक हैं। और ये अभी से नहीं, हालांकि मिक्स रिजल्ट रहे हैं उसके, भाई लाल कौल भी वहां से विधायक रहे हैं। हाँ, भाई लाल कौल तो मुझे लगता है कि इधर चुनाव नहीं नहीं लड़ रहे हैं, पिछला चुनाव जो है वो राहुल प्रकाश के मुकाबले कीर्ति कौल कैंडिडेट थी अन्य समीकरणों से, और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 1 लाख एससी एसटी 1 लाख ओबीसी ये बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। अगर फैक्टर इतना मजबूत नहीं होता तो ध्यान रखिएगा आज से 2-3 साल पहले यही पकौड़ीलाल कौल ने उस इलाके में एक बड़ा विवादित बयान दिया था जिसमें ब्राह्मण ठाकुरों की मां बहन गालियां उन्होंने दी थी, उसके बावजूद राहुल पिछला चुनाव अच्छे खासे मार्जिन से जीत गए थे। इसका मतलब अपर कास्ट बहुत मैटर नहीं करता है, हालांकि ये चीजें भूल भी जाते हैं लोग, अपर कास्ट का अभी भी मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा उत्तर प्रदेश के हर हिस्से में भारतीय जनता पार्टी को झुकाव ज्यादा रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी कोई मजबूत कैंडिडेट लाए या फिर पिछले कैंडिडेट कोई रिपीट करे तो भी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई महत्वपूर्ण बात है कि वहां पर बीजेपी को अपर हैंड या बीजेपी कह लीजिए या सरकार को अपर हैंड है। एक बार सर हम तमकीन फैसल से भी एक सवाल, और वहां पर हम जाएं उससे पहले यूट्यूब पर हमारे दर्शक तमाम कमेंट्स कर रहे हैं, तो हम कुछ दर्शकों के कमेंट्स भी पढ़ना चाहेंगे। ओम शिव लिखते हैं, मतलब कुछ लोग आजम खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनमें ओम शिव हैं, तो उनके जवाब में नवल किशोर योगी जी को जिंदाबाद कह रहे हैं। अमित यादव हैं जो लिखते हैं कि हम सभी चाहते हैं कि आजम खान के परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़े, जाए तौर पर स्वार सीट की बात कर रहे हैं। सौरभ यादव लिखते हैं कि आजम खान जिंदा और सत्य परेशान हो रहा है, हारेगा नहीं। वहीं रोशन लाल हैं जो लिखते हैं कि बीएसपी जीत लेगी ये सीट। अब ये एक अलग बात रोशन लाल लिख रहे हैं कि बीएसपी ये सीट जीत लेगी, और इसके अलावा भी मैं तुलसीराम यादव जी का कमेंट है, नवनीत कुमार का कमेंट है, एक यूजर का और मैं कमेंट देख रहा था तमकीन फयाज साहब जो ये कह रहे हैं कि अब अखिलेश यादव विचारधारा पर नहीं चल रहे हैं, बीएसपी विचारधारा पर चल रही है, तो बीएसपी अगर स्वार पर अपने को फोकस करे तो वहां वो मजबूती से फाइट दे सकती है। हम यही अपने दर्शकों के लिए समझना चाहेंगे कि क्या ऐसा कोई वहां समीकरण है जो बीएसपी को मजबूत बना रहा हो या बीएसपी के लिए संभावनाओं के द्वार खोल रहा हो, एक बात। और दूसरी, जो हेमंत सर ने एक रोचक बात बताई कि वो जो नाराज फूफा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि नाराजगी का भी कुछ मसला चल रहा है। अभी हाल में अखिलेश यादव एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू में बैठे थे, उनसे एक सवाल हुआ कि चाचा शिवपाल को मनाना ज्यादा कठिन था या आजम खान को मनाना, तो अखिलेश इस सवाल को डक कर गए, उन्होंने कहा कि अब दोनों लोग मान चुके हैं,
और हमारे साथ हैं, इसलिए सवाल का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसा कि अमन सर कहते, क्या आज भी ये सवाल जिंदा है? क्या आजम खान पूरे मन से अब समाजवादी पार्टी के साथ में नहीं है? और क्या ये वही सारी वजह है जो उनको हमने देखा कि रामपुर लोकसभा में वो अपने परिवार से किसी को कैंडिडेट उन्होंने नहीं दिया, उपचुनाव जो लोकसभा का था उसमें, या रामपुर विधानसभा उपचुनाव में वो कैंडिडेट रिपीट कर गए जो कैंडिडेट हारे हुए थे। तो क्या आजम खान का अब सपा राजनीति, अगर ना भी कहें कि राजनीति से मोहभंग हो गया हो, तो क्या सपा से मोहभंग होता आप देख पा रहे हैं क्या वहां, तमकीन साहब? जी अमित जी, देखिए आजम खान एक बड़े कद्दावर नेता हैं और उनके ऊपर जो दिक्कतें और मुसीबतें और मुकदमे शुरू हुए हैं, ये आप ध्यान करें कि 2019 का चुनाव जीतने के बाद जब वो संसद के सदस्य बने, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य बनने के बाद उनके ऊपर ये दिक्कतें शुरू हुई, तमाम मुकदमे हुए, जेल गए और सारी दिक्कतें जब हुई जब वो एमपी बन चुके थे। तो आज एमपी बनने के बाद उनकी संसद से कोई मदद नहीं मिल पाई, ये पद भी उनके कोई काम नहीं आ पाया, तो खुद उनके बेटे दो बार विधायक बने और दोनों बार उनकी सदस्यता जो है वो अदालत के ही जरिए गई। तो अब अगर एक बार फिर वो विधायकी जीत लेते हैं तो कोई बहुत बड़ा उनके जो हालात, जिस तरीके से अभी हेमंत जी ने बताया कि जो दिक्कतें और मुसीबतें और उनके परिवार पे आई हुई हैं, उसमें कोई भला होता हुआ नजर नहीं आ रहा कोई विधानसभा सीट जीतने से। हाँ, अगर एक निगाह है उनकी जो एक कहते हैं ना उम्मीद की किरण, तो वो कहीं ना कहीं 2024 पे जाके टिकती है। और मैं आपको बताऊं कि अखिलेश जी भले ही खुलकर राहुल जी की और कांग्रेस की आलोचना कर रहे हों, लेकिन आजम खान को हम देखते हैं कि इन दिनों काफी सॉफ्ट कॉर्नर हैं, खासकर राहुल गांधी की यात्रा में जाने के बाद से, जो उनके राहुल गांधी के प्रति उनकी जो एक तरीके से काफी तारीफ उनके जरिए सुनने को मिली है। अब ऐसे में परिस्थितियां जो नाराजगी वाली है, तो मैं आपको बताऊं कि नाराजगी वाली बात नहीं है, बल्कि खुद समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव जी की तरफ से, मैं समझता हूं कि आजम खान को वो सपोर्ट या वो वेटेज नहीं मिल रही जो कि मिलना चाहिए थी उनके कद के मुताबिक। यही दर्द उनका, आपने अगर ध्यान किया हो तो जब वो मुंबई गए थे अभी कुछ दिनों पहले, आजम खान तो पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने एक लाइन बोली थी, एक उनका वाक्य जो था वो बहुत अहम है कि मैं एकमात्र समाजवादी पार्टी का जीवित संस्थापकों में से एकमात्र सदस्य हूं। तो ये कहना एक बड़ी बात है कि संस्थापकों में से एकमात्र जीवित मैं हूं और समाजवादी पार्टी जो है वो क्या है और मैं क्या हूं, कोई अलग अलग नहीं है। तो ये उनका दर्द था। उसके बावजूद जैसे आपने देखा कि कोलकाता अधिवेशन में न केवल आजम खान नहीं थे, अब्दुल्ला भी नहीं गए, गए नहीं या बुलाया नहीं गया। इसके बारे में आप यूं भी समझ सकते हैं कि काफी सीनियर नेता हैं शफीकुर्रहमान बर्क, उन्होंने खुलकर मीडिया में ये बात अपनी रखी कि मुझको अगर बुलाया जाता तो मैं जरूर जाता, मुझे बुलाया ही नहीं गया। तो ये क्या चल रहा है राजनीति में? क्या अखिलेश जी, जिस तरीके से अभी एक कमेंट आ रहा था कि अपनी विचारधारा से पर नहीं टिक रहे, तो आपने पिछले दिनों में देखा होगा अखिलेश जी ने चाहे वो रामचरितमानस का इशू उठाया हो या और चीजें हो, एक चार कदम आगे बढ़ते हैं, दो कदम पीछे हटते हैं, फिर सोचते हैं कि अब क्या सही है क्या गलत है। ऐसे में क्या अखिलेश जी आजम खान की छवि से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं? क्या आजम खान की को अपने समाजवादी पार्टी के ऊपर उनके साये को जो है उससे बचाना चाह रहे हैं? ये क्या है जो आजम खान को लगातार निगलेक्ट किया जा रहा है? ऐसा नहीं है कि आजम खान नाराज हैं, क्यों होंगे नाराज हो और कहां जाएंगे नाराज होके?
इस वक्त तो समस्या ये नहीं है कि आजम खान क्या सोचते हैं। हाँ, वो रामपुर तक जरूर सीमित है। मैं ये जरूर कहूंगा कि सुहार विधानसभा सीट हो या रामपुर जिले की कोई भी सीट हो, उसके लिए आजम खान ही फुल एंड फाइनल होंगे। जो जिसको चाहेंगे वो टिकट देंगे समाजवादी पार्टी को। जो केंद्रीय नेतृत्व है, खुद अखिलेश यादव जी हैं, वो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दखल अंदाजी करेंगे या करने की कोई स्थिति में होंगे। जी जी हेमंत जी, वैसे तो अभी जैसा तमकीन साहब ने कहा कि क्या चल रहा है और कई बार लिखता तो लगता रहा भी है, लेकिन अगर हम आजम खान की बहू सिद्रा अदीब की बात करें तो क्योंकि पिछले उपचुनावों में भी, चाहे वो लोकसभा का उपचुनाव हो चाहे वो विधानसभा का उपचुनाव हो, रामपुर में सिद्रा का नाम सामने आया था। तो अगर हम बात करें कि क्यों नाम बार बार सामने आता है, तो क्या आजम खान की ढलती हुई इस राजनीति में क्या सिद्रा की शक्ल में अखिलेश यादव को एक भविष्य का मुस्लिम चेहरा नहीं मिल सकता है? और एक बहुत ही परिकल्पित सी हाइपोथेटिकल सी बात करें कि अगर सिद्रा अधिक चुनाव लड़ रही हैं और अखिलेश यादव भले ही ना आए हो चुनाव में प्रचार करने, लेकिन डिंपल यादव सिद्रा यादव का प्रचार कर रही हो, तो एक अलग माहौल बन सकता है समाजवादी पार्टी के हक में। तो क्या सिद्रा अदीब के अगर पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पे बात करें तो आपका क्या विश्लेषण है? देखिए, चाहे सिद्रा अदीब हो, चाहे आजम खान हो, चाहे अब्दुल्ला आजम हो, चाहे तनिष फातिमा हो, इनके परिवार का कोई भी सदस्य अगर स्वार्थ से चुनाव लड़ता है तो जो भी अपोजिशन में है उसको बड़ी मुश्किलें होंगी। बल्कि मैं यूं कह सकता हूं कि जो भी हालात है, उन हालातों से जो सहानुभूति एक है इस परिवार के प्रति इस वक्त। देखिए, जब एक्शन होता है तो रिएक्शन होता है, जब वो और इस तरह का रिएक्शन जो सहानुभूति का रिएक्शन होता है बड़ा भारी होता है और डेसिव होता है। तो कोई इनके परिवार से लड़ेगा तो इसमें भारतीय जनता पार्टी, उसके एलाई और सब पूरी ताकत झोंक दे तो भी बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्रश्न वही है कि क्या आजम खान ऐसा चाहेंगे? और जैसा कि तमकीन साहब ने बात कही कि जब सब कुछ लुटा चुके हैं, सब कुछ, पूरी रियासत लुट चुकी है, पूरा रामपुर लुट चुका है, तो एक छोटी सी जमीन, यानी एक छोटी सी जमींदारी लेके क्या करेंगे? उससे कौन सा रसूख बढ़ जाएगा? मुझे लगता है कि आजम खान का परिवार, यानी आजम खान का जो सियासी कुनबा है, वो इस वक्त एक शोक काल से गुजर रहा है। और जब इस तरह की परिस्थितियां होती हैं तो आदमी बहुत बार छोटी अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर देता है। ध्यान रखिएगा, बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ, ये बहुत बार देखा है इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन अगर कल्पना की जाए कि इनकी बहू सिद्रा अदीब चुनाव लड़ती हैं, तो पहले मैंने बता दिया कि चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि इस तरह की टिप्पणी एकदम से करना बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन असलियत ही, मेरी आदत, मैं सीधे बोल देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपनी एलआई के लिए बहुत पूरी सारी सुपर ताकत लगानी पड़ेगी तो ही मुश्किल होगी। तो पहला जवाब, चाहे ये डिंपल यादव जाएं, अखिलेश यादव जाएं, इन न जाएं, तो भी वो चुनाव वहां स्वार में जीत सकता है, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य, इसमें कोई शक नहीं। अब बाकी रही बात कि क्या आजम खान की श्रीमती जी जो राजनीति में आई, राजनीति में आई नहीं, लाई गई, वो राजनीति में लाई गई, लेकिन क्या परिवार की बहू को आजम खान सबकी राजनीति में लाना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता है, नंबर एक। नंबर दो, अभी अब्दुल्ला आजम का पॉलिटिकल करियर खत्म थोड़ी हो गया है, थोड़ा इंतजार करेंगे, कुछ इंतजार करेंगे, अभी ज्यादा उम्र नहीं है। हाँ, अगर इस बात को देखा जाए कि अब्दुल्ला खान, भाई आजम खान अपनी राजनीतिक विरासत ऐसे हवा में थोड़ी छोड़ देंगे, वो तो जरूर चाहेंगे कि अब्दुल्ला आगे भविष्य में जब भी उनकी एलिजिबिलिटी हो,
सक्रिय राजनीति में है, चुनावी राजनीति में है, सक्रिय राजनीति वैसे भी नहीं, उन्होंने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका तो आज लगाई है सर, लेकिन फिलहाल तो 6 साल के लिए, 6 नहीं बल्कि 9 साल के लिए फिलहाल, अगर आज की स्थिति में बात करें तो वो 9 साल के लिए बाहर है ना, 4 साल इधर 5 साल तीन साल की सजा और छह साल की सजा। ठीक है, ये बात तो सही है, फिर भी इतनी उम्र अभी कम, इतनी ज्यादा नहीं उम्र हुई है, तो ये भी हो सकता है, इस बात के चांसेस हो सकते हैं कि जब तक वो बाहर हैं, मतलब चुनावी राजनीति से, तब तक हो सकता है अपनी बहू को चुनाव लड़ा दें, चुनाव जिता दें, ये भी संभव है। और राजनीति राजनीति में कुछ भी हो सकता है। एक बात और है, शोक काल किसी का कितना भी चल रहा हो, लेकिन उस शोक काल का भी एक सहानुभूति का लाभ मिलता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और राजनीति ऐसा विषय, मैं बार बार कहता हूं नीरज जी, कि हम आप अभी जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग अभी डिबेट से बाहर उठे तो हो सकता है उसी की उल्टी चीज चली आए, जो प्रत्यक्ष दिख रही है, जिस पर हम आप चर्चा कर रहे हैं, जिसके इक्वेशंस पे हम लोग तर्क रख रहे हैं, अब डिबेट खत्म होते ही पता लगा उस तर्क और सत्य से विपरीत कोई चीज सामने आ जाए, तो राजनीति में कुछ भी संभव है। ये बात आपने ठीक कही कि सिद्रा अदीब, हाँ सर, बड़ी बड़ी बात करें तो इस देश में मनमोहन सिंह का पीएम के तौर पर घोषणा होना किसने सोचा था, किसने कल्पना की थी? बिल्कुल सही बात, 2004 में जब वो हुआ था। अरे सुनिए साहब, आपने तो बहुत बार देखा होगा, मैंने तो रूबरू देखा है कि एक बड़ी नेता उत्तर प्रदेश की, एक शाम की किसी चैनल की डिबेट चल रही थी, डिबेट में उनको जोड़ा गया, उन्होंने कहा कि इस पार्टी के साथ मेरे खानदान का रिश्ता जुड़ा हुआ है, ये अफवाहें गलत हैं कि मैं इस तरह से कोई निर्णय लेने जा रही हूँ। हम लोगों ने भी कहा देखिए कितनी वफादारी है इस पार्टी के प्रति, इनके पिताजी और बाकी लोग जो रहे उसके प्रति कितना बड़ा इनका लगाव है, लोग फालतू में ये सब कर रहे हैं। भाई साहब डिबेट खत्म हुई, पता लगा कि वो दूसरी बड़ी पार्टी के बड़े नेता से मिलने चली गई, तो ये तो राजनीति है, राजनीति तो कुछ भी संभव है। और दूसरी बात बता दूं, एक फैक्टर ये भी है कि आजम खान जिद्दी आदमी है, तमकीन साहब को पता है, मुझे तो जब से देख रहा हूं उनको, मेरे ख्याल में करीब 35 बरस से मैंने यही देखा है कि आजम खान बहुत जिद्दी आदमी है, नहायत जिद्दी आदमी है, वो दूल्हे के फूफा से कई गुना ज्यादा जिद्दी आदमी, और अगर उन्होंने जिद पकड़ ली होगी तो फिर उनका नुकसान हो जाए, उसकी परवाह नहीं करते, अगर है नाराजगी तो कह देंगे भैया तुम आओ लड़ाओ, हमसे कोई मतलब नहीं, ये भी हो सकता है। रामपुर में स्वार सीट पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। जी जी, हेलो तमकीन साहब, तमकीन साहब, लेकिन कुछ दर्शक हमारे ये पूछ रहे हैं कि भले ही जैसा कि हेमंत भाई पार्टी के जीतने की ज्यादा वहां पर आसार या समीकरण दिखते हैं, लेकिन शायद रामपुर के वक्त भी ऐसा था, और फिर जब ये सुर्खियां छपी कि रामपुर में अपने ही बूथ पर आकाश सक्सेना ज्यादा वोट पा गए और आजम खान कम वोट पा गए, तो ऐसी सूरत में स्वार की परिस्थितियां कितनी माकूल हैं आजम खान परिवार के लिए, और फिर जो कम वोटिंग परसेंटेज का वहां दोनों चुनावों में हमें देखने में आया, और आजम खान या समाजवादी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि प्रशासन का गलत इस्तेमाल हुआ है, ये सब आपको चर्चाएं स्वार के संदर्भ में क्या देखते हैं आप इसे लेकर? जी नीरज जी, जैसे हेमंत जी ने कहा कि आजम खान पूरा एक चैप्टर है, एक अध्याय है राजनीति में, तमाम तरह के उसके अंदर एंगल हैं, उनमें खुशी भी है, गम भी है, और हर तरीके का उनको इसके अंदर आपको उनके राजनीतिक जीवन में टच मिलेगा। लगभग 4-5 दशक हो गए उनको राजनीति करते हुए, आज वो कोई मंजे हुए खिलाड़ी नहीं, बल्कि मैं कह सकता हूं कि उस्ताद हैं राजनीति के, और खासकर रामपुर में, तो यहाँ तक उनके अंदर उनका आज भी इतना दम है कि जो प्रत्याशियों का चयन है, जैसे मैंने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी के अंदर तो उनके उनका ही जो चयन है वो लास्ट होगा,
उस पर कोई चुनौती करने वाला नहीं होगा, बल्कि दूसरे दलों में भी, चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो, यहाँ तक के कई ऐसे आए हैं मामले जहां पर यहां तक कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के भी जो प्रत्याशी का चयन है उसमें भी उनका इन्फ्लुएंस काम करता है। ऐसी परिस्थिति में आप ये समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है, वो वही होने वाला है जो उनकी कैलकुलेशन में होगा, वो पहले से रणनीति बना चुके होंगे। हमें आपको जरूर लगेगा कि आजम खान हार रहे हैं, आजम खान इस मामले पर चेत हो गए, लेकिन क्या ये एक बिल्कुल इत्तेफाक था कि लोकसभा से कुछ ही पहले उनके एक बड़े भरोसेमंद सिपाही, जिनको उन्होंने एमएलसी बनाने के लिए हेलीकॉप्टर से टिकट मंगाया हो, वो अचानक पार्टी छोड़कर चले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद तमाम बड़े नामों को, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हों या और तमाम नाम, सबको धसा बनाकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का टिकट पाने में कामयाब हो जाते हैं, घनश्याम सिंह लोधी, और फिर वो जीत भी जाते हैं। ये उसी के अखाड़े के निकले हुए पहलवान है राजनीति के। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि चाहे स्वार की विधानसभा हो, आप ये बात मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं हेमंत जी की बात से कि अगर सिदरादीप या आजम खान के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा होगा तो बेहद मजबूत होगा और जिताऊ होगा, लेकिन ये भी आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से राह में, रास्ते में कांटे होते हैं, पत्थर होते हैं, मुश्किलें होती हैं, कीले बिछी होती हैं, आप चल सकते हैं लेकिन जूते के अंदर अगर एक मामूली सा कंकर भी आ जाए तो दो कदम चलना मुहाल होगा। शायद यही वजह है कि वो आजम खान, जिन्होंने अपने मुकाबले पर न केवल ये के जमी जमाई नवाबी को एक धाराशाही कर दिया, किसी और नेता को आज तक रामपुर में इस्टेब्लिश नहीं होने दिया, आज आजम खान के बाद दूसरा नाम तलाशना मुश्किल होता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या वो ये चाहेंगे कि उनको कोई ऐसी चुनौती खड़ी हो जाए, खासकर ऐसे वक्त में जब हम अभी आप चर्चा कर रहे थे कि उनके 3 साल की सजा हुई है और 8 साल तक या 9 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। देखिए वो जो सजा हो गई उसको छोड़ दीजिए, अभी जो उनको चुनौती अदालत में सामने रखी हुई है, खुद अब्दुल्ला आजम खान के 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्रों का मामला है, उसके अलावा कई गंभीर ऐसे मामले हैं जिनमें अभी 313 के बयान, जो कि बिल्कुल आखिरी स्थिति होती है, लगभग तमाम कार्रवाई पूरी करने के बाद अदालत में फैसले से कुछ ही पहले वो जो आरोपी के बयान होते हैं, उन उस परिस्थितियों में कई केस ऐसे हैं जिनमें आजम खान के 313 के बयान अभी हो चुके हैं। किसी भी समय उन मामलों में फैसला आ सकता है और बिल्कुल अचंभा नहीं होगा कि उनको काफी बड़ी बड़ी या काफी लंबी सजाएं और सुनने को मिल जाएं। तो अगर ऐसा होता है तो परिस्थितियां फिर बदल जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि आजम खान कोई ऐसा काम करेंगे या अलाउ करेंगे कि जो उनके पीठ पीछे या उनकी राजनीतिक कहना चाहिए एब्सेंस के अंदर कोई ऐसी चीज खड़ी हो जाए जो कल को उनके लिए चुनौती बन के खड़ी हो। हाँ ये जरूर है कि स्वार विधानसभा सीट में कौन जीतेगा कौन हारेगा वो एक अलग मुद्दा होगा और उनकी राजनीति पे कोई बहुत ज्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है। एक खास डेवलपमेंट हुआ है जिसको मैं बताना जरूरी समझूंगा कि आज रामपुर में जिस तरीके से चुनाव की एक तरफ डेट घोषित की जा रही थी, वही विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो रामपुर की स्वार विधानसभा क्षेत्र में पूरा भ्रमण कर रहे थे और जगह जगह जाके कार्यकर्ताओं से मिलकर अभी से आज के दिन से रणनीति बना रहे थे। हालांकि आपने देखा कि उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने कैंडिडेट को नहीं उतारती है या बचती रही है, लेकिन आखिर कोई तो वजह होगी जो यहाँ पर आज के ही दिन से बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे कैंप किए हुए हैं। तो पिछले कई दिनों से एक नए कैंडिडेट को कैंडिडेट के तौर पर एक नए युवा यहाँ पर हैं तुर्क बिरादरी के साजिद, उनको बीएसपी ज्वाइन कराई गई है बहुत जोर शोर के साथ में और उनका कैंपेनिंग चल रहा है।
तो अगर बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में बीच में आती है तो निश्चित तौर पर ये भी समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत खड़ी करेगी, खासकर इस वजह से कि जो वोट तुर्क बिरादरी का है वो बड़ी तादाद में है, लगभग 35,000 वोट से 39,000 वोट तक खाली स्वार विधानसभा सीट में तुर्क बिरादरी का है, जिससे बहुजन समाज पार्टी का संभावित प्रत्याशी जो है वो अभी से प्रयास करना शुरू कर चुका है। तो ये एक एंगल है कि अगर बहुजन समाज से कोई लोकल ऐसा व्यक्ति जो कि खड़ा होता है, मजबूती से लड़ता है, तो वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है तो देखिए बीजेपी इन सब चीजों पर निगाह बनाए हुए है, और जो यहाँ की प्रतिशत है वो आप ये समझिए कि मुस्लिम वोट 61% है और जो हिंदू वोट है वो 39 है, उसमें से भी लगभग 25,000 से 30,000 वोट जो है जाट ऑफ बिरादरी के हैं, और वो बड़ा एक रिमार्केबल होता है जो कि कहीं ना कहीं पूरे इसके समीकरण बदलने के लिए बदल सकता है। ऐसे में एक चर्चा ये भी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी ऐसे दलित प्रत्याशी को उतारने के उसमें काम कर रही है या विचार कर रही है, जिससे वो दलित वोट जो जो 39% जो हिंदू वोट है उसके अंदर कोई डिवीजन ना हो, दलित वोट भी मिल जाए और बाकी वोट भी मिल जाए, प्लस जो इस वक्त उपचुनाव होने के नाते सरकार की वजह से वोट मिल सकते हैं। लोग चाहते हैं कि इस वक्त विकास हो और विकास वही कर सकता है जो सरकार में शामिल होगा, इस नाते भी अच्छा खासा वोट जो है स्विंग करता है, तो ये समीकरण बन सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को कहीं ना कहीं रेस में ला के खड़ा कर सकते हैं। जी नीरज जी, तंगिन साहब आपने हमारे दर्शकों के सवाल का जवाब दे दिया जो बीएसपी की संभावना है, और ये कोई आश्चर्यजनक बात तो होगी नहीं क्योंकि आजमगढ़ उपचुनाव में बीएसपी अपने प्रत्याशी उतार चुकी है, लोकसभा का उपचुनाव हालांकि वो था, और कहते हैं कि इसी वजह से वहां समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। हेमंत सर, हम आपसे एक संक्षिप्त टिप्पणी लेना चाहेंगे इस पूरे मामले को समाप्त करते हुए, हम फिर आजम खान और उनके परिवार पर लौटते हैं। आपने देखा है सर, अपने लंबे राजनीतिक रिपोर्टिंग और पॉलिटिकल एनालिसिस के अनुभव से आपने देखा कि जो परिवारवादी सियासत जिसको कहते हैं या परिवार का जिन सीटों पर कब्जा होता है, जब उन सीटों पर परिवार कमजोर पड़ता है या दूसरे तरह की राजनीति होती है तो वो फिर सीट हाथ से निकल जाती है। जो एक प्रभाव बना रहता है, जो एक जिसकी बात आप भी कर रहे थे कि एक इमोशनल कनेक्ट होता है लोगों को अपने उस नेता के साथ, हमने देखा है अमेठी में। अब अमेठी में इस बात के भी चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं कि राहुल गांधी लड़ेंगे कि नहीं, गांधी परिवार लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, तो इस तरह की चर्चाएं आजम खान ने रामपुर को बड़ी मेहनत से अपनी एक सियासी बगिया बनाया था। तो आपको क्या लगता है कि जब इस तरह की आप जिसको हम लोग पूर्वांचल में आफत विपत वाला दौर कहते हैं कि आफत विपत के दौर से अगर आजम गुजर रहे हैं तो क्या वो उसको वो छोड़कर निकल जाएंगे? क्या आपको लगता है कि वो अपने पारिवारिक जो उस पर क्लेम है वो उससे पीछे हटेंगे और इतने वो उस सियासत से दूर हो जाएंगे कि वो वहां से अपने परिवार से किसी को लड़ाना नहीं चाहेंगे? क्योंकि संभावनाएं तो अभी ऐसी ही बन रही हैं कि बीजेपी अपना पूरा दम लगाएगी और इस बात का पूरा उनको खतरा रहेगा कि रामपुर के उपचुनाव में जैसा नतीजा आया वैसा नतीजा कहीं स्वार में ना आ जाए। तो आपको क्या लगता है कि आजम का वो अंतिम अंतिम दांव क्या होगा? बड़ी बात आपने कही, बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन अब सूक्ष्म में जवाब देना है तो वक्त हो रहा है। देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ये कि जो पब्लिक कनेक्ट होता है, जो इमोशनल कनेक्ट होता है, इमोशनल टच जो होता है परिवारवादी राजनीति की किसी भी शख्सियत का अपनी आवाम से, अपनी कंस्टिट्यूंसी के लोगों से, वो जो आप अमेठी में देखते हो वो रामपुर में नहीं है। अगर आवाम आपकी जनता आपका ईश्वर है, भगवान है, जैसा कि नेतागढ़ कहते हैं, यानी खुदा है, तो आजम खान ने कभी खुदाई खिदमतकार की अपनी इमेज नहीं बनाई। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि रामपुर को दुरुस्त करने की बहुत सी कोशिशें उन्होंने की, थोड़ा बेहतरी आए, लेकिन कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट हो नहीं पाया सिवाय उनकी अपनी सर्वाधिक महत्वाकांक्षा वाली जवाहर यूनिवर्सिटी के। तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम उनसे सब लोग बहुत इतना जुड़े हों,
उनके लिए जीने मरने लगे, वो बात नहीं है। जब अमेठी की जनता गांधी परिवार के कैंडिडेट को हरा सकती है खाली इस रिएक्शन में कि आपने सीधे जुड़ाव को कम किया, आप मैनेजर्स के जरिए अपने पॉलिटिकल एजेंट्स के जरिए हमसे आप जुड़ने लगे, तो पब्लिक ने रिएक्ट किया और रिजेक्ट कर दिया राहुल गांधी को। यह बात पूरी तरीके से लागू नहीं होती। हालांकि अब आप देखिए परिवारवादी राजनीति इनके यहाँ भी है, पत्नी एमपी रही, खुद कितने बड़े स्टालवर्ट रहे, बेटा दो दो बार एमएलए हुआ, अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं बहू भी चुनाव आ सकती है। तो परिवारवादी राजनीति यही तो होती है। और गांधी परिवार के बारे में तो बरसों से कहा जाता है भाई वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारवादी राजनीति कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी सूरत में एक इनके लिए रिस्की मामला होगा। खाली जो तमकीन फयाज साहब ने कहा अगर उस इक्वेशन को जोड़ लें तो शायद मुझे लगता है अभी भी, हालांकि मेरा मानना है कि आजम परिवार का कोई सदस्य या इनकी बहू चुनाव लड़ती है तो किसी भी दल के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ऐसे में अगर आजमगढ़ उपचुनाव की स्क्रिप्ट रिपीट होती है और बीएसपी नमूदार होती है वहां एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर, तो परिणाम भी फिर आजमगढ़ उपचुनाव जैसे आ सकते हैं। इस बात का इल्हाम आजम खान और समाजवादी पार्टी दोनों को होगा। अब जो परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है कि आजम जैसे तजुर्बेकार सियासतदान मौके हालात को देखते हुए कोई फैसला लेंगे, लेकिन मुश्किल तो है, मुश्किल कई कारणों को लेकर के है। और ये बीएसपी वाला फैक्टर बहुत बहुत ही नेगेटिव जा सकता है उनके लिए। लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलआई के ही जरिए वहां कोई हिंदू उम्मीदवार नहीं उतारना चाहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि नवेद मियां को नाराज करने का जो रिस्क है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि आप अभी हारते आ रहे हो वहां से, जीत का अगर आप कुछ चांस देखते हो तो जिसने आपके लिए थोड़ा बल्क में काम किया उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, यही बात है। तो सम्मिश्रित स्थिति है, राजनीति है, राजनीति वाले जो जब चाहे तब फैसला ले लें और रामपुर की स्वार सीट पर भी हो सकता है। जी बिल्कुल, हमारे एक दर्शक हैं जगबीर सिंह, वो ये नियमित दर्शक हैं हमारे, वो ये कह रहे हैं कि आजम खान जो है वो अपनी बहू सिद्रा को नहीं उतारेंगे। ये भी बहुत जोर लगाने वाली है इस सीट पर, और फिर वो नीचे एक सलाह के तौर पर लिख रहे हैं कि किसी स्थानीय उम्मीदवार को उतारना चाहिए आजम खान का। लेकिन जगबीर सिंह भले ये कह रहे हो, हमने यूट्यूब पर जब आपसे ये सवाल पूछा था कि क्या आजम खान की बहू सिद्रा अदीब को मौका मिलेगा स्वार विधानसभा उपचुनाव में लड़ने का, तो हमारे तकरीबन 1000 लोगों ने वोट दिया है, 900 से ज्यादा लोगों ने वोट दिया, 88% वोटर ये कह रहा है कि हाँ आजम खान की बहू सिद्रा अदीब को मौका मिलेगा, 12% लोगों का कहना है कि नहीं मिलेगा। ये हमारे दर्शकों का सोचना है। खैर, आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हेमंत तिवारी साहब, तमकीन फयाज साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अमीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।